तो हेलो फ्रेंड्स, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं पालक पनीर कैसे बनाया जाए। तो पहले चलिए जानते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। आधा किलो पालक जो मैंने कच्चा लेकर के ही पीसा है, ये उबला हुआ नहीं है, कच्चा पालक है जी। मैंने घर पे काट के इसको उबाला है। 250 ग्राम पनीर, 2 टमाटर पिसा हुआ है, अदरक, लहसुन का पेस्ट का पेस्ट है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, अब इसे बनाया कैसे जाए। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है जी। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 बड़े स्पून तेल डालेंगे हम इसमें। इसको गर्म होने देंगे, तेल अब गर्म होने देंगे हम। हाँ। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल हो चुका है गर्म। अब इसकी हम जरा सा डालेंगे हींग जी। अब जरा सा हींग डाला है इसमें। हाँ। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। हाँ। अब इसको लाल होने देंगे जी। आपने फ्लेम कैसे रख रखी है? हाई रखी हुई है, तेल गर्म हो गया है जी। तो फ्रेंड्स, हमारे जीरा लाल हो चुका है अच्छे से। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है हमने डाला है, वो भून लेंगे। ये लगभग कितनी देर भूनना है हमें? 5 मिनट भूनेंगे, मतलब अच्छी तरह से मतलब हो जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए जी। फ्रेंड्स, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हो चुका है। अब ये पिसे हुए जो टमाटर है उसको भी हम इसमें मिला लेंगे जी। अब इसे थोड़ी देर होने देंगे। ये लगभग कितनी देर तक पका लें हमने? 5 मिनट जी। 5 मिनट से भी पका रहे हैं और फ्लेम रख रही है हमने हाई। हाँ। ये होता रहेगा, इसके साथ साथ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार डाल दिया हमने नमक। अब इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाँ। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर के साथ जी। एक छोटा चम्मच हल्दी डाल दिया हमने। हल्दी पाउडर होने देंगे जी, मिक्स कर लेंगे और होने देंगे अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसमें हम जो कटे हुए पनीर रखे हैं जी, उसको डाल देंगे। पनीर डाल दें हम। हाँ, पनीर को मैंने पहले से चौकोर काट के रखा हुआ है जी। स्क्वायर शेप में आपने काट दिया पहले से ही। हाँ, और उसको अच्छी तरह थोड़ी देर 5 मिनट इसको पकने देंगे। हाँ, जब तक मतलब अब्सॉर्ब ना कर ले पनीर सारा टेस्ट अंदर सोख ले। हाँ, तो तब तक हम इसे पकाएंगे। हाँ, अभी फ्लेम आपने कैसे रख रखी है? हाई पे ही रखी है, फ्लेम हाई ही है हमारी। और इसे पकने देंगे 5 मिनट लगभग। हाँ, 5 मिनट 5 मिनट पकने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा पनीर भी हो गया है तैयार। अब ये जो कच्चा मैंने उसका पेस्ट बनाया है पालक का, उसको भी हम डाल देंगे। ये आप नॉर्मली खड़े पालक को पीस लिया है आपने? हाँ, हाँ, इसको उबाला नहीं है, कच्चा ही पीस लिया है। इसका अलग टेस्ट आता है, अलग सा फ्लेवर आता है। लोग पका के बनाते हैं, लेकिन कच्चा बना के देखिए बहुत अच्छा होता है जी। तो ये मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से। हाँ, मिक्स कर लेंगे और इसे आप पकने देंगे। हाँ, 5 मिनट पकने देंगे क्योंकि फटाफट ये तैयार हो जाएगा जी। हाँ। तो इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा इसमें ये मलाई रखा हुआ है, ये भी डाल मलाई डाल देंगे। हाँ, साथ में डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे इसको। जी, इसे आप पकने देंगे। आपने फ्लेम अभी रख रखी है हाई, अब लो पे करके अब लो अच्छे से मिक्स होने दें, पकने देंगे अच्छे। हम मलाई की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्रीम हो गया या कुछ? नहीं नहीं, मलाई ही यूज करेंगे। नहीं हो तो दूध भी डाल सकते हैं जी, पर थोड़ा ही डालेंगे, आधे कप डालेंगे जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर हो गया है तैयार। इसे लगभग 5 मिनट तक हमने पकाया है, क्रीम डालने के बाद, मलाई डालने के बाद 5 मिनट पकाया है हमने। अब चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पालक पनीर हो चुका है तैयार। इसे लगभग 15 मिनट लगे हैं पूरा बनाने में। आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा, अपने व्यूज शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसी और रेसिपीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें दीदी की रसोई चैनल को। थैंक यू।